नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णा पोद्दार, सीनियर पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बैक पेन या कमर दर्द को लेके। एस कमर दर्द या बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर मनुष्य एक ना एक बार अपनी जिंदगी में बैक पेन से सफर करता है। ये बैक पेन के कारण लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से मेडिसिन भी खाते हैं, उससे किडनी या लिवर डैमेज होने का डर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी तरह का दर्द हो तो उसके लिए अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, ये बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में होता है, यंग लोगों में भी होता है, एल्डरलीज में होता है। थर्ड, ओबेसिटी थोड़ा ज़्यादा बैक पेन करती है, स्मोकिंग ऑल्सो, फिर कभी कभी लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बैक पेन का कारण होती है। बट आपका बैक पेन यदि बहुत ज़्यादा हो रहा है या मोर देन 3 मंथ्स हो गया है या बार बार हो रहा है, तो आपको अपने पेन फिजिशियन से राय लेना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। पेन फिजिशियन आपको जब देखता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट कॉमन कारण जो होता है मस्कुलर होता है, मस्कुलोस्केलेटल होता है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं। 90% ऑफ द बैक पेन उससे ठीक हो जाते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग या योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं, ये 32 वर्टिब्रा, इसमें एक जॉइंट होता है, ये जॉइंट को फैसेट जॉइंट कहते हैं, उसके आर्थराइटिस से बैक पेन होता है। कभी कभी ये सेक्रोइलाइक जॉइंट होता है, इसके भी इन्फ्लेमेशन से बैक पेन होता है। कभी कभी ये जो डिस्क होती है इसमें टेयर हो जाता है या डिजनरेशन होता है, उससे भी पेन होता है। ये सब क्या एग्जिट आपका कारण है पेन का, उसके लिए या तो हम MRI से पता करते हैं या कभी कभी हम डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन या NIPSI करते हैं। इसमें आपको एक इंटरवेंशन किया जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि पेन का कारण फैसेट जॉइंट है, एसआई जॉइंट है या डिस्क है। दूसरी बात, यदि कभी कभी कोई ट्यूमर या और भी कुछ निकलता है तो उसके लिए हम वैसे ही उसको एड्रेस करते हैं। यदि फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस होती है तो हम वहाँ पे मीडियल ब्रांच का रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं, उससे बैक पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। यदि एसआई जॉइंट का पेन है तो वहाँ पे भी हम NIPSI के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट का पेन चला जाता है। यदि डिस्क के कारण पेन हो रहा है तो हम वहाँ पे बाइक्लोप्लास्टी या रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्क की रिपेयर कर देते हैं, जिससे बैक पेन चला जाता है। एंड कभी कभी हम लोग यहाँ पर एक रीजनरेटिव थेरेपी या PRP या स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। इसके द्वारा आपका बैक, कीप योर बैक हेल्दी एंड बी हैप्पी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लेसन की, कि कभी भी कोई भी मेडिसिन आप ओवर द काउंटर खरीद के खुद मत खाइए। हमने बहुत सारे केस देखे जिसमें लीवर और किडनी डैमेज हो जाते हैं। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या बाहर का खाना मत खाइए, ओबेसिटी के कारण बचिए। थर्ड, एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम करना चाहिए आपको, लाइक स्विमिंग या और कुछ, जिससे आपका बैक हेल्दी रहे। और बहुत ज़्यादा लंबा सिटिंग नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रोफेशनली आपको सिटिंग की जरूरत होती है तो बीच बीच में उठ के एक रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। सो आपके बैक का ख्याल रखिए, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट करिए या फिर आप किसी भी नियर बाय अपने पेन फिजिशियन को कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।